डियर बॉयज एंड गर्ल्स, तो पिछली बार हमने कंप्लीट किया था नाइन टेल्स चैप्टर और एक बोनस चैप्टर। तो अब हम बढ़ेंगे आगे। हमने पिछली बार इसको बहुत चिढ़ाया है, सॉरी ब्रो, ऐसा करना पड़ता है व्यूज के लिए, पर व्यूज तो बिल्कुल नहीं आए। जल्दी जल्दी चलो अब। अरे यार, ये कौन सा पोकेमॉन है? स्पीरो। हाँ, तो हमने हमारे पोकेमॉन बिल्कुल हिल नहीं किए हैं, और हर बार की तरह मैं बिना ट्रेनिंग किए हुए ही यहाँ पर आ टपका हूँ। तो फिर से हमारी बैन बजने वाली है, मुझे पता ही, क्योंकि मेरे पास हीलिंग आइटम भी नहीं है। ओ, तो इधर क्या है? हाँ, दिस इज द लाइफ। आई हैव नो आइडिया वाई आई मैजिकली हैव दिस बाइक, बट इट डजेंट मैटर। हाँ, पिछली बार तो ये टूट गई थी ना। आउच, डोंट यू पीपल लुक वेयर यू आर स्टैंडिंग? हाल्ट, डू नॉट टेक अ स्टेप क्लोजर टू लेडी एरिका। आई डोंट केयर इफ शी इज द प्रिंसेस ऑफ कैंटो, आई डिमांड ऑन अपोलॉजी फॉर हर। स्टैंड बैक किड, दिस इज योर लास्ट वार्निंग। लेट इट गो। नहीं, बिल्कुल नहीं यार। आई डोंट केयर, आई वॉन्ट माई अपोलॉजी। सो बी इट, डोंट से आई डिडेंट वॉर्न यू। अरे यार, अगर हम यस करते तो ये वाली बैटल स्किप हो जाती। कोई बात नहीं, फिर भी हम इसे हराएंगे। वाइस रूम है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। क्या आपको पता है कि वाइल्ड प्लूम पर सबसे बड़ा फ्लावर होता है, जो कि है रैकलिस या खुद? अगर आप ने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको पता है कि ये रैफ्लेशिया कौन सा फूल है। क्या टेटर डांस? इससे कुछ नहीं होगा हमारे सौर को। हमारा सौर बड़ा ताकतवर है, देखना तुम, कुछ भी नहीं होगा हमारे सौर को। देखा, हमारा सौर बहुत ताकतवर है। वाइल्ड प्लूम कहीं का सर पर झाड़ उगा रखा है, मशरूम टाइप पोकेमॉन। इसे तो मैं भून के खा लूंगा, पर वो रेफ्लेशिया पॉइजनस होता है, इसलिए मैं इसे नहीं खा सकता। इसलिए इसका टाइपिंग भी देखो, ग्रास और पॉइजन है। इसके सर पर मशरूम है, क्योंकि ये ग्रास भी है और मशरूम मशरूम जो कि है हमारा रेफ्लेशिया सबसे बड़ा मशरूम। उसे फ्लावर भी कहते हैं, वो पॉइजनस होता है। टेटर डैन से कुछ नहीं होगा रे, सिर्फ कंफ्यूज करते जाएगा तू। हमारा सौर बड़ा ताकतवर है, तेरे को नहीं पता? अरे यार सौर, रुको, फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ मैं। हो गया, वॉइल प्लूम खत्म, नॉर्मल स्पीड। प्लेयर डिफीटेड बटलर किल्टन क्लिंटन। दैट्स इनफ क्लिंटन, वी वेयर द वंस एट फॉल्ट, अपोलोजाइज टू दिस यंग मैन एट वंस। यस लेडी एरिका, यू डिड बेटर बी ग्रेटफुल दैट द डॉटर ऑफ द विलेस्ट फैमिली एज वेल एज द जिम लीडर ऑफ सेलेडॉन सिटी इज अपोलॉजिंग टू यू बॉय। क्या ये जिम लीडर है एरिका? हाँ, अब समझ में आया। क्लिंटन, सॉरी लेडी एरिका, प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बलेस्ट अपोलॉजीज। ये वॉट एवर, आई एम सो सॉरी। आई डू होप यू आर नॉट हर्ट, यू आर नॉट इंजर्ड, सॉरी। हाँ, फॉरगेट दैट यू आर द सेलेडॉन सिटीज जिम लीडर, करेक्ट? आई चैलेंज यू टू अ जिम बैटल। आई हैव ऑलरेडी अर्न टू बैचेस फ्रॉम प्यूटर सिटी एंड सोलिलिन सिटी, द बल्डर बैच एंड द कैस्केड बैच। सो ही हैज़ डिफीटेड बोथ ब्रॉक एंड मिस्टी। हाँ बिल्कुल, हमने हरा दिया है, अब तेरी बारी है ग्रास टाइप जिम लीडर। वेरी वेल, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज, बट आई विल नॉट जस्ट सली माई सेल्फ बाई फाइटिंग जस्ट एनी वन। कम फाइंड मी एट माई जिम एंड आई विल टेल यू वॉट यू मस्ट डू टू फेस मी इन बैटल। आई विल बी वेटिंग। हाँ, ज़रूर आएंगे तेरे तेरे से बैटल करने के लिए। चैप्टर 15, इवोल्यूशंस। हाँ, तो हमें पहले जाना होगा उसके जिम में, शायद, पता नहीं। तो फास्ट फॉरवर्ड करके खेलते हैं। अब हमें उसके जिम में घुसना है। ओ, जल्दी चलो रेड। ओ नो, ये तो एक और बैटल हो गई है। कोई बात नहीं, इससे भी फाइट कर लेंगे। एक और है, ये एक और टकला है शायद, इसे हमारा शॉर्ट संभाल लेगा। शॉर्ट,
और जल्दी से पेटल डांस करो और इसको ख़त्म कर दो। नीडो किंग उसी की बात है, ये एक अटैक में ख़त्म हो जाएगा क्योंकि एक पॉइजन और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन ग्रास टाइप पोकेमॉन के अटैक नहीं कर सकता। हार गया ना तू, बेकार में हमसे फाइट कर रहा था। तो जल्दी चलो, हमें जाना है जिम में। सबसे पहले हम अपने पोकेमॉन को हील कर लेंगे। कहाँ गया हमारा पोकेमॉन सेंटर, हमारा पोकेमॉन सेंटर, पोकेमॉन सेंटर, पोकेमॉन सेंटर? अरे यार, पोकेमॉन सेंटर कहाँ है? ओए बुड्ढी सरक, ई क्या म्याऊ? जल्दी चलो, मेरे पोकेमॉन को हील कर दो। हाँ रखो अपने पोकेमॉन यहाँ पर। वाओ, एक ही बार में हमारे पोकेमॉन को हील कर दिया इसने। जल्दी चलो अब एरिका की जिम में। एरिका के जिम में जाने से पहले मैं अपने पोकेमॉन को रीअरेंज कर लेता हूँ। पहले नंबर पर हम रखेंगे पॉली को। चलो पॉली, अब हमें जितवाना है। तो हमारे पास एक्सपी शेयर है क्या? जितना मुझे याद है हमें मिला था। पहले हम नॉर्मल स्पीड कर लेते हैं। कहाँ है एक्सपी शेयर, एक्सपी शेयर, एक्सपी शेयर, एक्सपी शेयर? हाँ मिल गया, इसे दे देते हम। पिकाचू कहाँ गया? हाँ पिका को गिव। पिका इज़ ऑलरेडी होल्डिंग अ लाइट बॉल। हाँ बिल्कुल, हम एक्सचेंज करेंगे ताकि उसकी एक्सपी भी बढ़े और वो लेवल अप हो जल्दी से, क्योंकि वो 27 पर ही है। स्नोरलैक्स की कोई बात नहीं है क्योंकि उसके पास बहुत सारे हिट पॉइंट है, पर पिका के पास हमारे हिट पॉइंट्स नहीं है। वैसे भी हम पिकाचू को इवॉल्व नहीं करने वाले। टू प्रूव यूर सेल्फ वर्थी एज अ चैलेंजर यू मस्ट फर्स्ट कैप्चर एन ईवी। Where can I find an Eevee? Will, what are you doing here? Ha ha ha, I am just visiting. Never mind, you look troubled. What's eating you, Red? I need to track down an Eevee. Oh heck, it's just a hope and a skip on a Fero's back. But what a chore you have been given, boy. This Eevee is a rare creature. Although I have heard There was one recently spotted at Route 17. Route 17? हाँ बिल्कुल, चलो जल्दी से चलो। HM1 कट मिल गया हमें। कट अलाउज यू टू कट स्मॉल ट्रीज। हाँ पता है हमें, जल्दी से चलो, एपिसोड का ख़त्म करना है हमें। क्या बोल रही है तू बकवास, जल्दी चलो, जल्दी चलो HM कट को लेके। मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है। फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे हम, क्योंकि एपिसोड छोटा बनाना है, क्योंकि एपिसोड छोटा बनाना है। ये क्या डोडो मिल गया हमको? कोई बात नहीं, हम एस्केप कर लेंगे। और एक पोकेमॉन मिल गया जो कि है रैटाटा, इसे भी हम रन कर लेंगे। बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर हम नॉर्मल स्पीड करेंगे। अब देखते हैं कि ये क्या होता है। वाह, ये क्या है? Alright, so this HM1 cut allows me to cut this tree. हाँ बिल्कुल पॉली। हाँ वाह, एक साथ सारे कट गए। वाह रेड, वेट अप, रुको, मैंने तो उसे सिखाया भी नहीं था। मतलब यहाँ पर सिखाना नहीं पड़ता शायद। जो पोकेमॉन सामने होता है वही HM cut का इस्तेमाल करता है। बिल, Phew, I have finally caught you up. I have dug up few more info about this rare Pokemon Eevee. The fellow said that Eevee breathes fire. So, it's a fire type. तो ये तो एक जोल्टियन है ना? अरे यार, fast forward. अरे यार मैं ये क्या कर रहा हूँ? हाँ डोडो, डोडो यहाँ से चला जा वरना तू मेरे से मार खाएगा। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है इस वक्त। इज़ दैट एन ईवी? नहीं, वो जोल्टियन है आई गेस। सो क्या बिल भी पागल हो चुका है क्या? यू डिस्क्राइब ईवी इज़ लाइक इट वॉज अ फायर टाइप अर्लियर। आई डिड, बट गॉश दैट लुक्स लाइक एन इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन। जोल्ट, जोल्ट,
वो जोल्टियन है रे, सो ईवी इज एन इलेक्ट्रिक टाइप। ऑल राइट, टाइम टू कैच इट। तो हम कैच नहीं कर सकते, इसलिए मैं फाइट करूंगा। पॉली में तुम्हें चुनता हूँ, और पॉली करेगा डायनामिक पंच, और एक ही पंच में घायल, सॉरी फेंट। ठीक है, वो तो वेपोरियन बन गया, इट गॉट अवे। वेट, इट लुक्स डिफरेंट रेड। आई विल स्टैंड हियर इन केस इट ट्राइज टू रन दिस वे। थंडर टाइप इज वीक अगेंस्ट ग्राउंड टाइप पोकेमॉन। वॉट, द लिटिल ओल्ड ईवी इज नाउ अ वाटर टाइप पोकेमॉन। तो फिर से फास्ट फॉरवर्ड, और इसे भी हमारा पॉली ही हराएगा। आइस टाइप अटैक से कुछ नहीं होगा रे। अरे एक बार तो डायनामिक पंच हो जा। मुझे लगा ही था ऐसा होने वाला है, इसलिए ड्रेन पंच हमारे पास है। अरे यार, सिर्फ एक ही अटैक करना है, बस हो गया नॉर्मल स्पीड। वाइल्ड वेपोरियन फेंटेड। पीका हमारा 28 पर चला गया है, जब तक वो 35 तक नहीं जाता तब तक मैं स्नोरलैक्स को नहीं दूंगा। अर्ग, हैड इनफ। बिल, गेट रेडी, इट्स गोइंग टू रन अगेन। ओके, ये फिर से चला गया यार। तो इस बार हम नंबर 1 पर रखेंगे स्नोर को, ताकि उसकी भी लेवल बढ़ती जाए। तो हमारे पास 3 भारी भरकम पोकेमॉन है और एक बहुत ही हल्का। अर्ग, फायर वाटर एंड थंडर, इट कैन काउंटर ऑल माय पोकेमॉन। देयर इज नो वे ऑफ फाइटिंग इट, देयर एंड नो वे ऑफ फाइटिंग इट। वेट अ मिनट, एवरी टाइम आई अनाउंस द टाइप इट विल इमिडिएटली चेंज इन टू अ टाइप दैट काउंटर्स दैट वन आई सेड सो। सो इट वॉज डिटेक्टिंग यूअर पोकेमॉन्स वीकनेस विथ इट्स ईयर्स। ओ, मैं समझा नहीं, पर एक फ्लेरियन मतलब एक जोल्टियन कैसे बदल रहा है एक वेपोरियन और एक फ्लेरियन में। हाँ कोई बात नहीं, हम इसे हरा देंगे, फिर बाद में पता लगाएंगे। फ्लेम थ्रोर, इससे तो कुछ नहीं होगा रे। ओ बहुत कुछ हुआ, मतलब हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। देखो मेगा पंच से, एक मेगा पंच से इतना डैमेज पड़ रहा है। अगर मेरा स्नोर अगर 35 लेवल का होता तो एक मेगा पंच में ये हार जाता। सो दैट्स योर रियल फॉर्म, आर यू ओके? व्हाट इज द एम्बेडेड इन योर अर रेड? समथिंग्स नॉट राइट, टेक अ लुक एट इट्स माइक्रोचिप ऑन इट्स क्रिएटर्स ईयर। दिस ईवी वॉजंट बॉर्न विद द ट्रांसफॉर्मिंग पावर्स, समवन एनहेंस इट विद दिस गैजेट हियर। व्हाट? क्या, मैं समझा नहीं, रुको। समथिंग टेल्स मी दैट दिस लेडी एरिका इजंट टेलिंग मी समथिंग। कम विथ मी ईवी। हे, वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोना सेटल थिंग्स विद दिस लेडी एरिका। End of evolution chapter. Lady Erica, I must ask, what were you thinking when you sent that kid to retrieve Eevee? That Eevee is our project's primary objective. If our plan is revealed through using a child, that lady? Wild Plume, attack! What, a drowsy was spying on us? It seems. Where Father Clinton? We must have that Eevee as soon as possible. Oh, मतलब ये Eevee लोग हैं, हाँ? कोई बात नहीं, हम इसे भी हरा देंगे। रेनबो बैज, वाह, डायरेक्ट हम इधर पहुँच गए तो अच्छा हुआ। तो हम फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी से वहाँ जा सकते हैं। अरे वापस क्यों आया मैं भी पागल हो चुका हूँ। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो भैया, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो भैया। इस बार विनासोर ने किया।
तेरे को तो हम ऐसे ही हरा देंगे विपिन बेल। हाँ ये कुछ भी नहीं है हमारे पोकेमोन के सामने। पैरालाइज और कंफ्यूज एक ही बार। हाँ अच्छी टेक्निक है पर काम नहीं करने वाली मेरे सामने, मतलब मेरे स्नोर के सामने। मेरा स्नोर बहुत ही अच्छा है, मैंने अब तक इसको क्यों नहीं यूज किया। सॉरी स्नोर। एस लेडी इरिकल्स रिटेनर्स आई विल डिफीट यू। आई वी सॉर। हाँ अच्छा पोकेमोन है तेरे पास पर ये भी काम नहीं करने वाला मेरे स्नोर के सामने। अरे यार तो हम पहले हील कर लेते हैं अपने पोकेमोन को, बहुत सिंपल है। सुपर पोशन और स्नोर पर यूज करेंगे हम सुपर पोशन। वो इतना ताकतवर हो गया इसका लेजर लीफ। खत्म स्नोर खत्म। कोई बात नहीं हमारे पास सॉर है। डबल एच से इस आईवी सॉर को खत्म कर देंगे हम। ये तो हमारे विनोसॉर सॉरी सॉर का ही प्री स्टेज है। फेक आउट हाँ अच्छा मूव है। इसकी किसकी जगह सिखाएं हम, स्लैम की जगह सिखाएंगे हम फेक आउट। क्लिंटन फिर से। हाँ पिछली बार की हार याद नहीं है क्या तुम्हें वाइल्ड प्लूम? पिछली बार भी ये हमारे यूनोसॉर से हार गया था। ये डबल एच की वजह से पूरी हेल्थ ख़त्म हो जाती है। काश डबल एच जितना ताकतवर अटैक होता और हेल्थ बिल्कुल भी कम ना होती। तुम ये क्या ईवी रिकंस्ट्रक्शन? व्हाट द हेक इज दैट? हु आर दिस पीपल? ईवी इज अ वेरी रेयर पोकेमोन दैट पजेस द एबिलिटी टू इवॉल्व इनटू एनी ऑफ द 19 हाईली डिस्टिंक्ट फॉर्म्स। इफ ईवी कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड इट कैन ट्रांसफॉर्म रैपिडली बिटवीन ऑल 19 ऑफ दोज टाइप्स देन इट विल सर्व एज अ पावरफुल वेपन। पर मैंने जितना सुना है वो ज़्यादातर जोल्टियन, वेपोरियन, फ्लेरियन, अम्ब्रियन, एस्पियन और हाँ लीफियन, ग्लेशियन और एक रह गया था जो आप मुझे कमेंट में बता देना। आई एक्सेप्ट योर चैलेंज विद दिस रेनबो बैच एज द प्राइज। कट द लाइन्स That EV was your experiment. It got away, so you got me to retrieve it for you. All those lies about proving whether I was worthy was just so I would do your job for you. I don't need your stinking badges. You don't understand, Red. You aren't leaving this place until I get that EV. Now hand it over. No. Not going to happen. Then you leave me no choice. हाँ बिल्कुल तेरे को तो हम ऐसे ही हरा देंगे। क्यों नहीं रेड, ये तो टीम रॉकेट का हिस्सा लग रहे हैं। हाँ तो देखो यूनिफॉर्म भी वैसी ही है विपिन बेल। हाँ विपिन बेल को तो हम ऐसे ही हरा देंगे डबल एच से। एक ही डबल एच में ख़त्म होना चाहिए पर नहीं ख़त्म हुआ। कोई बात नहीं इस स्कोर का सिर्फ एक बार नहीं यार अब मुश्किल कर से खत्म हो जाए प्लीज। पहला पोकेमोन डाउन, दूसरा पोकेमोन भी डाउन कर देगा हमारा पॉली।
ओ थोड़ा सा बच गया। पीटर डैंग हम अपना पोकेमॉन वापस बुलाएंगे और पिका को निकालेंगे ताकि पीटर डैंग का असर खत्म हो जाए। और गेम खत्म, अब हम वापस लेंगे अपने पॉली को। पॉली तुम ये कर सकते हो, सिर्फ एक आइस पंच, सॉरी दो आइस पंच के शायद खत्म हो जाएगा मिक्सर पावर। कोई कुछ भी नहीं होगा, ग्रास टाइप अटैक करो यार, ग्रास टाइप अटैक। वाओ पॉली ये क्या, ओ यार खत्म कहानी खत्म हमारी। जल्दी उठो यार पॉली, प्लीज पॉली जल्दी उठो। यस अरे यार पॉली तो गया हमारा, कोई बात नहीं हमारे पास पिका है। पिका पिक आउट, हमारे पिता ने हमें जीता दिया है अपना थर्ड बैच जो कि है शायद हाँ रेनबो बैच। हाउस दैट चाइल्ड्स प्ले वाइट प्लूम अटैक, उफ अर्ग, वेयर इज दैट एरोगेंस नाउ, ई आई सी दिस लिटिल वन इज नियर इट्स एंड, एन एक्सपेरिमेंटल क्रिएचर फेट इज अ सैड वन इंडीड, द लीस्ट आई कैन डू इज पुट इट आउट ऑफ द इट्स मिसरी। नो डोंट प्लीज नो। वाओ उसने तो हील कर दिया शायद, हाँ वाओ ईवी तो वापस ठीक हो गया। दिस ईवी वॉज एन एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट फ्रॉम a certain organization a few days ago, my team and I received reports and learned that this EV escaped from this so-called reconstructed EV project. Thanks to you, it is now safely in our care. This organization? It's none other than Team Rocket. Team Rocket is a well-organized crime syndicate. To have any chance against them, we need information of their technology and their fighting power. More importantly, we need a trainer who has inner strength, morality, and compassion. A trainer like you, Red. Red received the Rainbow Badge. This EV seems to have also taken a liking to you. You should take it with you on your journey. हाँ बिल्कुल। तो हम इसको क्या नाम दें हाँ? ये तो बड़ी मुश्किल की बात हो गई यार, क्या नाम दे। रेड अपने ईवी का नाम क्या रखता है, पता नहीं क्या रखता है। तो इसका नाम हम शायद हम ही रख सकते हैं, तो इसका नाम क्या रखें हम, क्या रखें इसका नाम। तो इसका नाम हम ईव रख देते हैं, ईव। रेड आई सीक यूर एड इन हेल्पिंग अस, स्टॉप टीम रॉकेट, डू यू एक्सेप्ट दिस रिक्वेस्ट, काउंट मी इन नाउ दैट वी आर वर्किंग टुगेदर, लेट मी प्रेजेंट You with this item obtain the lens. Red put the lens in the key items. See kya kaam karta hai. This lens allow you to check your Pokemon IV and EV spreads. IV and EV affect how your Pokemon grows. In time we will work together to take down Team Rocket, but for now you need to train and become stronger, Red. Good luck. End of Rainbow Badge chapter. So ये वाले एपिसोड में बहुत मज़ा आया और हमको मिल गया नया बैज और नया पोकेमॉन। तो ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।